अस्सलाम वालेकुम विवास। तो स्वागत है आपका जारे के किचन में। चलिए दोस्तों, आज बनाती हूँ आलू फिश करी। जी हाँ, ग्रेवी वाली सब्जी है ये, और इसमें फिश के साथ हम आलू को भी ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करती हूँ बिस्मिल्ला करके। और मसाले, सबसे पहले मसाले बता देती हूँ। मसाला में टमाटर एक बड़े साइज का, प्याज है एक छोटे साइज का, ले ले आपके ग्रेवी के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बनाना है क्वांटिटी बढ़ा दें। यहाँ पर ली हूँ, जी हाँ, छोटा चम्मच जीरा है, काली मिर्च है, और यहाँ सरसों है एक छोटा चम्मच। इन सारे चीज़ों को हमें करना है पेस्ट। मसाले जब तक पिसाते हैं, फिश को हमें मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले कंटिन्यू है नमक डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, बस इतना ही चीज़ों से हमें मैरिनेट करना है। और इसको देना है 10 मिनट के लिए रेस्ट में। तो चलिए 10 मिनट के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। फिर से आलू का सालन बनाने के लिए, तो चलिए फिर से आलू का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमें डालना है ऑयल। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल ले लें। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देना है। आलू फिश करी बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने पर हम इसमें डाल देंगे आलू को, और आलू में थोड़ा से हल्दी का कलर डाल लीजिएगा, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह सारे आलू को हमें फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करके निकाल लेना है आलू को। अल्हम्दुलिल्लाह कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। चलिए सारे आलू को निकाल लेना है हमें। आप चाहे तो ज़्यादा फ्राई कर ले, डार्क फ्राई, हमें लाइट फ्राई करी हूँ। धीरे धीरे करके सारे आलू को निकाल लेना है। अब हम इसमें फिश को ऐड कर देंगे, फिश को भी इसी तरह फ्राई कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह फिश देखिए, सारे फिशेस फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लेना है, फिश को बिल्कुल केयरफुली। अच्छा, लाइट और ब्राउन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं फिश को। चाहे तो डार्क ब्राउन करके फ्राई कर ले, या फिर लाइट, मैं थोड़ा लाइट रखी हूँ क्योंकि ग्रेवी में डालना है। उसी तेल में हमें डालना है 5 फोड़न, तो ये मैं ऐड कर देती हूँ। करने के बाद जो मसाले, देखिए जी हाँ, मैं प्याज, गोलकी, जीरा और टमाटर पीसी थी, उसके साथ साथ देखिए नमक ले ली हूँ एक छोटा चम्मच। अपने इसके हिसाब से ले ले, टेस्ट के हिसाब से जितना आप नमक खाते हैं। धनिया का पाउडर 2 छोटा चम्मच है। मिर्ची देखिए फैल गई है, 1 छोटा चम्मच है। और अपने तीखे के हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि मिर्ची सब कोई ज़्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं। तो यहाँ पर ही है हल्दी का पाउडर 1 छोटा चम्मच। इन सारे मसालों को हमें ऐड कर देना है। इस तरह से ऐड कर दीजिए, अच्छी तरह से मिला लेना है सारे मसाले। कोच के डाल दीजिए, इसी में डाल देना है पानी जो पीस के रखी थी, जो जार में, वो जार का पानी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और मसालों को अच्छी तरह हमें भूंज लेना। जी हाँ, बिल्कुल खुशबू आने तक भूंज लीजिए। सारे मसाले तो डाल दी हूँ, टमाटर भी पीस के डाल दी हूँ, तो इसको तेल सेपरेट होने तक हमें भूंजना है। मसालों में हमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं, 1 छोटा चम्मच डाल लीजिए, इतना ही काफ़ी है। एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ढक्कन को ढक करके हमें तेल सेपरेट होने तक अच्छी तरह भूंज लेना है। ठीक है, वापस से ढक्कन ढक दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए तेल कितनी अच्छी तरह से मसालों से सेपरेट हो गया है। इसी में हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ आलू।
साथ भी अच्छी तरह मसालों को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो लो करके फ्राई कर ले या फिर हाई भी। अल्हम्दुलिल्लाह आलू अच्छी तरह से मसालों के साथ फ्राई हो गया है। कलर भी देखिए कितनी अच्छी तरह से चेंज हो गया है। इसी में हम डाल देंगे पानी को, क्योंकि आलू अभी तक सॉफ्ट नहीं हुआ। जी हाँ, वैसे तो आधा मतलब कितना 100 में 20-30% अगर सॉफ्ट हो गया होगा फ्राई करने से भी तो हो गया होगा, लेकिन हमें पूरा सॉफ्ट करना है। जी हाँ, तो डाल देना है पानी और उसको कुछ नहीं करना है, ढक्कन को कवर करना है इस तरह से, ठीक है। मीडियम या फिर लो में रख दीजिए, आपका 10-15 मिनट में आलू सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, आप चाहे तो अगर आपको फटाफट से भूख लग रही है, इसको आपको जल्दी खाना है, तो कुकर में एक सीटी मार ले, आलू तुरंत गल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलती हूँ 10-15 मिनट के बाद, जब आलू सॉफ्ट हो जाएगा तब। तो चलिए चेक करती हूँ आलू कितना गला है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आलू सॉफ्ट हो गया है आपका 80%। इसी में फ्राई के अलावा जो फिश था वो मैं ऐड कर देती हूँ। आपके हिसाब से आप डाल लें फिश, आपको ग्रेवी में कितना डालना है, और बाकी अगर फ्राई करके खाना है तो आपका ऑप्शन है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। कलर माशाल्लाह से देखिए कलर कितनी अच्छी तरह से आया है। वापस से कवर करना है 2-3 मिनट और सिम में हमें पका लेना है। आलू तो सॉफ्ट हो गया है 80% और फटाफट से, और 20% बचा है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 2-3 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ और हमारा बनाया हुआ सालन बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चेक करती हूँ हमारा बनाया हुआ जो सालन है बना है कि नहीं, एकदम बिल्कुल केयरफुली अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए इसको डिस आउट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बनाई हुई आलू और फिश की करी जो है बन के रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर मेरी बनाई रेसिपी आपको पसंद आ रही हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों अभी डाल लेती हूँ। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे, मिलती फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में ज़रूर याद रखें।